वेलकम टू द बेसिक्स अकेडमी स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 9 है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाले सभी पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th, 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, आई डिडंट नो दैट ही वॉज पुलिंग माई लेग। तो आप देखेंगे यहाँ पर पुलिंग माई लेग को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। एग्जामिनेशन में ये हो सकता है बोल्ड लेटर्स में हो या इटैलिसाइज में हो, वर्ड्स में हो। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है पुलिंग माई लेग का क्या मीनिंग होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 डीग्रेडिंग मी, कॉम्प्लीमेंटिंग मी, बी फूलिंग मी, डी फेविंग मी। तो इसका राइट आंसर है पुलिंग माई लेग मीन्स बी फूलिंग मी। ओके, नेक्स्ट देखिए, रमेश एंड बी फूलिंग मी मीन्स बेवकूफ बनाना। ओके, नेक्स्ट, रमेश एंड राकेश हैव रिमेन्ड फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। तो आप देखेंगे थ्रो थिक एंड थिन को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो आपको इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन आपके पास ऑलवेज, थ्रो डेज ऑफ स्ट्रगल, इन डिफिकल्टीज या फिर डी नन। तो राइट आंसर इज थ्रो डेज ऑफ स्ट्रगल। रमेश और राजेश फ्रेंड्स रहे हैं कब से, थ्रो डेज ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल के दिनों से। ओके, नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाई टाइम को अंडरलाइन किया गया है, आपको इसका मीनिंग बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ए राइट मोमेंट, बी बैड टाइम, सी डिजायर्ड टाइम, डी ऑलरेडी लेट। तो राइट आंसर इज ऑलरेडी लेट, कि इंडिया ऑलरेडी लेट हो चुका है कुछ करने के लिए। कि अब इंडिया को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, शी वॉज कैरीड ऑफ हर फीट When she was declared to have won the prize. तो आप देखें यहाँ पे carried off her feet, इसको underline किया गया है, इसका आपको meaning बताना। आपके पास options हैं, A danced on her toes, B was sad, C was wild with excitement, D none. तो right answer is was wild with excitement. वो बहुत ज़्यादा excitement के साथ बहुत खुश हो गई थी, कब, जब उसको declare किया गया उसको वो prize जीत चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एट द 11th आवर यश अराइव्ड एंड सेव्ड हिम फ्रॉम द क्राइसिस। आप देखेंगे यहां पर एट द 11th आवर को अंडरलाइन है, तो क्या गया इसका आपको मीनिंग बताना। आपके ऑप्शंस हैं, एट द लास्ट मिनट, राइट एट द एंड, व्हेन इन ट्रबल, या फिर डी 1 आवर बिफोर 12। तो राइट आंसर इज एट द लास्ट मिनट। ओके, तो मीनिंग हुआ कि लास्ट मिनट पर यश आया और उसने उसको क्राइसिस से बचा लिया था। ओके, तो ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं हमारे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाले सभी पार्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10, 12 और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।